नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बताया जा रहा है कि सजा मिलते ही आसाराम रो पड़ा। उसने बुढ़ापे का हवाला देते हुए रहम की भीख मांगी, कहा, जज साहब बूढ़ा हो गया हूँ, रहम करो। जोधपुर जेल में जज मधुसूदन शर्मा ने जब फैसला सुनाते हुए आसाराम को दोषी करार दिया तो आसाराम रोने लगा और वकीलों से बोला, तुम्हें इतना पैसा दिया है, अरे कुछ तो बोलो भाई। लेकिन वकील अपना सा मुंह लेकर खड़े रहे और आसाराम रोता रहा। फैसला सुनकर आसाराम पहले तो रोया, लेकिन बाद में वे अचानक हंसने लगा। इसके बाद उसने जज से रहम की गुहार भी लगाई। बता दें कि 4.5 साल से जोधपुर जेल में बंद आसाराम के खिलाफ अपनी ही शिष्या से दुष्कर्म करने का आरोप था। पॉक्सो एक्ट के तहत ये पहला बड़ा फैसला है। केस के फैक्ट से लगता है कि आसाराम को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। प्रावधान उम्र कैद तक का है।